यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडे और जोनल अधिकारी बीपी सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र में सीडीए पेंशन के पीछे सराय भीखी इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएससी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रही। पीडीए ने सराय भीखी इलाके में लगभग 250 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग की बाउंड्री को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही 3 मकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। अवैध रूप से बने इन मकानों का ध्वस्तीकरण आदेश पारित नहीं हुआ था। इसके अलावा उन मकानों में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है जिनमें लोग रह रहे हैं। दरअसल जिस इलाके में भूमाफियों ने अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को बेच दिया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंधित एरिया कछार में आता है। इस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भूमाफियों ने भूमिधरी सरकारी और पट्टे की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर दी है और पीडीए से लेआउट भी पास नहीं कराया था। पीडीए की कार्रवाई में लगभग 350 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। भूमाफियों द्वारा सराय भीखी इलाके में लगभग 250 करोड़ की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है। पीडीए के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडे के मुताबिक इस मामले में भूमाफिया अनिल दास, परवेज अहमद, मोहम्मद इसरार, असद, राधेश्याम लाल को चिन्हित किया गया है। इनके विरुद्ध पीडीए वैधानिक कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में खर्च की वसूली भी भूमाफियों को आरसी जारी कर वसूली जाएगी। कितने मकानों को सील किया गया है, कितनी बाउंड्री तोड़ी गई है और करीब ये किस एरिया में करीब कितने करोड़ की संपत्ति है जिस पर अवैध प्लॉटिंग प्लाटरों ने कर दी थी? आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, आज ये सराय भीखी ग्राम सभा का एरिया है जो कछार बेल्ट है और ये सीडीए पेंशन के ठीक पीछे स्थित है। इस पर लोग अवैध रूप से प्लॉटिंग करके क्रय विक्रय की कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान जो है संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, अधिनियम के अनुसार कार्रवाइयाँ की गई और आज जो कार्रवाइयाँ उस समय की गई थी डिमोलिशन ऑर्डर पारित है और बीच बीच में जो अवसर पा करके उसका एक्सटेंशन करते हुए लगभग 250 बीघे के लगभग में प्लॉटिंग की गई है। कुछ लोग आवासीय इसमें निर्माण कर लिए हैं और रह रहे हैं, उनको आज उनका डिमोलिशन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, किंतु उसके अलावा जो भी डिमोलिशन ऑर्डर पारित हैं और जो अवैध प्लॉटिंग यहाँ किए गए हैं उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज हमारे जोनल अधिकारी बीपी सिंह जी हैं, बगल में हमारे साथ में हैं, इनके साथ और पूरा पुलिस और प्रशासन की मदद से जो डिमोलिशन ऑर्डर के कंप्लायंस में कार्रवाई की जा रही है। यह भी बता दूँ कि यह कछार एरिया और डूब क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जो पारित है कि निर्माण से प्रतिबंधित जोन है, इसके दौरान जो इसके अंतर्गत लोग अवैध प्लॉटिंग करके जो क्रय विक्रय कर रहे हैं पूरी तरीके से अनियमित है और क्राइम है। और उसी लगभग यहाँ पर तीन ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनके विरुद्ध अभी डिमोलिशन ऑर्डर की कार्रवाई अधिनियम के अनुसार पूरी नहीं की जा पाई है, डिमोलिशन ऑर्डर नहीं पारित है और अन्य कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनको आज सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। 3 ऐसे निर्माण हैं जिनको सील किया गया है और ये प्लॉटिंग यहाँ पर प्लॉटिंग की कार्रवाई आस पास में अभी उधर आप लोगों ने देखा है कि सीताराम निषाद, रमेश निषाद और बच्चा निषाद, लल्ला निषाद, इनकी कुछ भूमधरी ज़मीनें हैं और उसमें सरकारी ज़मीनों की भी होने की संभावना है। इस पर प्लॉटिंग की गई, प्लॉटिंग करने वाले इसरार मोहम्मद इसरार और परवेज अहमद, असाद और एक राधेश्याम पाल, ये जैद, ये सब मौके पर प्लॉटिंग करके लोगों को ला करके बेचते हैं और उनको अवैध रूप से कब्जा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर अभी अनिल दास। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।